अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर से न्यू वीडियो के साथ आप लोगों को मेरे चैनल पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो का टॉपिक आप सब लोग जान चुके होंगे। जी हाँ, आज हम डाटा एंट्री के रिलेटेड इसका सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, जिसको हम लोग फॉर्म डाटा एंट्री कहा जाता है। फॉर्म डाटा एंट्री बेसिकली एक ऐसी फॉर्म है जिसमें आप अपने डाटा को ईजिली एंटर कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक्सेल को ओपन करना है। जैसे ही आपके पास एक्सेल ओपन हो जाता है तो आप होम टैब में अगर देखें तो आपके पास कुछ चीज़ें शो हो रही होंगी रिबन ऊपर, मगर यहाँ पर आपको कहीं पे भी फॉर्म नज़र नहीं आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर कोई एक स्पेस फ्री है। फॉर्म डाटा को बताने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को ये चीज़ बताती चलूँ कि हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में जो पाइवट टेबल पढ़ा था वो भी डाटा एंट्री के लिए रिलेटेड था, मगर पाइवट टेबल और फॉर्म डाटा में डिफरेंस ये है कि पाइवट टेबल के थ्रू आप लोग इजीली सर्च कर सकते हैं। आप उस टेबल को देख सकते हैं कि एक कंसर्न पर्सन ने कितनी कितनी चीज़ें ली हैं और उसकी कॉस्ट कितनी कितनी है, ठीक है। और जो हमारे पास फॉर्म डाटा है, इसमें हम लोग इजीली डाटा को एंटर कर सकते हैं। डाटा को एंटर करने के बाद हम लोग अपनी एक स्पेसिफिक फाइंड कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई टेबल लेते हैं तो एक टेबल जो है वो कितनी दफ़ा हमारे डाटा में यूज़ हुआ है और वो किस किस पॉइंट पर यूज़ हुआ है, किस किस सीरियल नंबर पर यूज़ हुआ है, उससे हमें किस तरह पता चलेगा वो डाटा फॉर्म यूज़ करके। तो चलिए गाइस, डाटा फॉर्म किस तरह से आपको क्रिएट करना है, उसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको, आप अगर देखें आपके बिल्कुल लेफ्ट अपर कॉर्नर में यहाँ पर एक मेरे शीट नज़र आ रही है। अगर आपकी शीट नज़र नहीं आ रही तो सिंपल आपको क्या करना है, अगर आपको मेरा कर्सर नज़र आ रहा है तो यहाँ पर एक एरो डाउनवर्ड में होगा, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको मोर कमांड्स में जाकर, पॉपुलर कमांड्स में जाकर ऑल कमांड्स कर देंगे आप यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एफ में जाना है, जिसमें कि यहाँ पर आपको फॉर्म जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये आपके पास फॉर्म नजर आ जाएगा। ऑलरेडी मेरे पास इसे ऐड है। इसको ऐड किस तरह से करना है, मैं इसको पहले रिमूव कर दूं। सिंपली आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास ऊपर रिबन में ऐड हो जाएगा। इसको आप यहाँ से ओके कर देंगे और आपके पास ऊपर रिबन में ये फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो एरर आ जाएगा। अब ये एरर किस तरह आ रहा है कि इससे पहले आपको यहाँ पर कोई डाटा अपलोड ज़रूर करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सीरियल नंबर, अगर आपके पास डाटा आपने इसके अंदर एक्सट्रैक्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डाटा यूज़ किया था, अगर मैं उसी के रिलेटेड बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको डाटा एंटर करना है तो देर इज़ नो प्रॉब्लम, आप कोई भी डाटा एंटर कर सकते हो। आप इसके थ्रू कुछ भी लिख सकते हो जो आपके कंसर्न पर्सन के रिलेटेड है। मगर मैं आपको यहाँ से सिखा दूँ कि आपको सिंपली क्या करना है, एक डाटा पूरा राइट करना है, उसके बाद आपको उस टेबल को सिलेक्ट करना होगा बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लास्ट वीडियो में आपने किया था। और गाइस, अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो आई रिकमेंड यू कि आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, वो आपको बहुत हेल्प देगी और ये वाला डाटा फॉर्म सीखने में ज़्यादा आसानी पैदा करेगी। तो आप मेरी लास्ट वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन या आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, इस टेबल को आप सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्म डाटा पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाटा में आपके पास एक पूरी लिस्ट आ गई है। फॉर एग्जांपल, ऑर्डर डेट, रीजन, रेपोजिशन, आइटम, यूनिट, यूनिट कॉस्ट एंड द टोटल। अब गाइस, यहाँ पर मैं आपको ये बात बताती जाऊँ कि अगर मैं इस स्पेसिफिक टेबल को रीड करूँ, मैं इसको आपको अगर रीड करके बताऊँ तो यहाँ पर मेरे पास जितने भी रोज की फर्स्ट फर्स्ट लाइन है, ये हमारे पास बेसिकली, यहाँ आप यूँ कह सकते हैं जो फर्स्ट कॉलम है बेसिकली ये हमारे पास एक हेडिंग है जो हम लोगों ने अपने टेबल की हेडिंग बना दी है। अब उस हेडिंग में हम लोगों ने क्या फिट किया हुआ है, ये बिल्कुल उसके सामने वाले ब्लॉक में आ रहा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो एंट्री लिखा हुआ है 1 of 43। इट्स मीन कि टोटल 43 एंट्रीज हमारे पास हैं डाटा की, जिसमें हम लोगों को ये देखना है। अगर आप इसमें से स्पेसिफिक, फॉर एग्जाम्पल, आप स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल का देखना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, क्राइटेरिया में जाके यहाँ पर रीजन में आपको सेंट्रल क्लिक करना है और इसको फॉर्म कर देना है। अब अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको सभी, आप देख सकते हैं कि आपको सभी सिर्फ सेंट्रल वाले ही शो होंगे। अगर मैं इस क्राइटेरिया को यहाँ पर फिर से क्लिक करके इस क्राइटेरिया को मैं क्लियर कर दूंगी और मैं फिर फाइंड नेक्स्ट करूंगी,
तो आप देख सकते हैं कि सेंट्रल, ईस्ट, ये सभी आना शुरू हो जाएंगे। मगर कोई भी क्राइटेरिया आप यहाँ पर सेलेक्ट करके अपने डाटा को ढूंढ सकते हैं कि आपको एक स्पेसिफिक नाम के रिलेटेड जो जो भी डाटा है वो आपको उसकी पूरी डिटेल दे देगा। तो ये फायदा है इस फॉर्म डाटा एंट्री को यूज करने के लिए। ये आपको हर काम में हेल्प करेगा, आपके प्रोफेशनल काम में हेल्प करेगा, आपकी यूनिवर्सिटी के काम में हेल्प करेगा। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, रेड आइकन पे क्लिक करें और बेल बटन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो की आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। यहाँ पर से मैं आपको एक और इस चीज़ का बताऊंगी कि इस फॉर्म को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप भूल गए हैं कि आपने इसके अंदर कोई एंट्री नहीं की और आपको सेम यही एंट्री करनी है, तो सिंपल इज दिस, आपको न्यू में जाना है, आपको ऑर्डर डेट देनी है 2 मार्च 2022। गाइस यहाँ पर आपको मैं ये बात बता चलूँ, आप अगर एंटर करेंगे तो वो आपको यहाँ पर कतन एंटर नहीं करना, आपको यहाँ पर टैब का बटन दबाना है अगली रो में शिफ्ट होने के लिए, या फिर आप अपने कर्सर के जरिए उसको चेंज कर सकते हैं। सेंट्रल में यहाँ पे ईस्ट कर देती हूँ, रेपोजिशन जोन्स कर देती हूँ, आइटम में टेबल कर देती हूँ, यूनिट्स में 0.9 कर देती हूँ, यूनिट कॉस्ट में 90 कर देती हूँ और टोटल में 90 कर देती हूँ। इसको मैं यहाँ पर से न्यू कर दूंगी तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 46 में ये एंटर हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 45 में सिंपल ब्लैंक लाइन आई है। वो ब्लैंक इसलिए आई है कि लास्ट जब मैं कर रही थी, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कि मैंने एक डेट मेंशन की थी और फिर मैंने एंटर कर दिया था, जिसकी वजह से स्क्रीन मेरी क्लियर हो गई थी, मगर वो रिकॉर्ड में एंटर हो चुका था, मैंने उसको डिलीट नहीं किया था। तो एग्जैक्ट न्यू पे क्लिक करने के बाद मेरे पास रिकॉर्ड में वो भी एंटर हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी इसको डिलीट कर सकते हैं, आप इसको एंटर कर सकते हैं और जो भी न्यू एंट्री करेंगे आपको आपके पूरे टेबल को बिना डिस्टर्ब किए नीचे आपके टेबल में ऐड होती जाएगी और आपके पास टोटल सीरियल्स नंबर भी चेंज होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर पहले 43 था और अब यहाँ पर 45 हो गया है। इसको मैं क्लोज कर दूंगी। सो बेसिकली ये था एक डाटा एंट्री के रिलेटेड बहुत ही आसान तरीका। इसको देखने के लिए आपको बहुत सी वीडियोस मिलेंगी यूट्यूब पर जिन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से करके बताया है, मगर मेरी इस वीडियो को देखने से आप सिंपल इसे एक मिनट में अपने डाटा को एंटर कर सकते हैं और उसे सर्च कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डाटा एंट्री के रिलेटेड सेकेंड टॉपिक पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अल्लाह हाफिज़।